90 दिनों के अंदर दिन में चलने वाली इंदौर शहर की 18,000 स्ट्रीट लाइटों को विद्युत पैनल से जोड़ा जाएगा। नगर निगम के विद्युत विभाग के अपर आयुक्त MKS अरोरा ने दावा किया है कि 90 दिनों के अंदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिन के समय जलने वाली 18,000 स्ट्रीट लाइटों को ऑटोमेटिक विद्युत पैनल से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद यह सिर्फ रात के समय ही चलेगी। अरोड़ा ने बताया कि नगर निगम द्वारा इसके लिए 44 लाख रुपए का एक टेंडर स्वीकृत किया गया है और कंपनी ने काम भी प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए एजेंसी फिक्स कर दी गई है, विधिवत निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें कि समृद्धि एजेंसी है उसको ये निविदा दी गई है जो कि लगभग 44 लाख की है और वो कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 24 घंटे जो लाइट जलती है वो हम लोग जल्दी से जल्दी उसमें युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ कर दिया गया है और 24 घंटे जलने वाली लाइटों को बंद किया जा रहा है। अरोरा के अनुसार अभी इन स्ट्रीट लाइटों का विद्युत विभाग द्वारा 8 घंटे एवरेज से विद्युत बिल वसूला जा रहा है, जबकि इनके विद्युत पैनलों से जुड़े जाने के बाद विद्युत बिल में भी कमी आएगी। अरोरा ने बताया कि दिन में जलने वाली ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें शहरी सीमा में शामिल की गई कॉलोनियों की हैं। अरोरा ने बताया कि अभी जिन कंपनियों ने शहर में LED लाइटें लगाई हैं उन्हें भी आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द वे अपनी लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को विद्युत पैनल से जोड़ दे। 90 दिनों बाद कोई भी स्ट्रीट लाइट दिन में जलती पाई जाने पर जोन के सहायक यंत्री विद्युत पर कार्यवाही की जाएगी। ये वर्तमान में लगभग 18,000 लाइट है, ये MPB ने चूंकि इस पर केबल प्रॉपरली डाली नहीं थी इसके कारण ये लाइट रात में दिन में भी जलती रहती है, इसलिए नगर निगम द्वारा इसको अलग से जो है इसका टेंडर किया गया और चूंकि इसमें नगर निगम का बिजली का बिल भी आता है और विद्युत भी खर्च हो रही है, इसलिए हम लोगों ने बहुत जल्दी से इसका टेंडर किया और टेंडर करने के बाद उसको वर्क ऑर्डर भी दे दिया है और काम भी युद्ध स्तर पर प्रारंभ करा दिया है। ये शीघ्र जैसे 3 महीने के पूर्व ही जो है सभी 24 घंटे जलने वाली लाइटों पर कार्य प्रारंभ हो गया है और ये जल्दी ही बंद हो जाएगी।